हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैन आई रजिस्टर विद अ स्टेट बार काउंसिल इन अ स्टेट अदर देन वेयर आई कंप्लीटेड माय एलएलबी। सो गाइस, आपके मन में भी एक डाउट रहा होगा या है आप लोगों को भी कि क्या हम लोग जो है जहाँ जिस स्टेट से हमने अपनी एलएलबी को कंप्लीट किया है उससे अलग किसी अदर स्टेट में हम अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। किस आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अभी अपनी बी एलएलबी की डिग्री को कंप्लीट किया होगा या फिर आप लोगों ने जो है एलएलबी की डिग्री को कंप्लीट किया होगा। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को जो है अपनी डिग्री को कंप्लीट करना होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। बाकी आप लोग जो है यस यू कैन रजिस्टर विद एनी स्टेट बार काउंसिल इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू कंप्लीटेड योर एलएलबी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो है अपनी एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री को कंप्लीट किया है बट आप लोग जो है एनरोलमेंट कराने से पहले किसी दूसरी स्टेट के अंदर शिफ्ट हो गई, ठीक है। सो आप लोग जो है अपना उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर आप लोग शिफ्ट हुए हो वहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि एनरोलमेंट जो है आप लोग उस स्टेट के अंदर करा सकते हो। ऐसा जैसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो, आप लोगों को पर्टिकुलर उसी स्टेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करानी होगी जिस स्टेट के अंदर आप लोगों ने एलएलबी की है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग माइग्रेट करते हो, ठीक है, एक स्टेट से अगर आप लोग दूसरी स्टेट में जाते हो, अपना शिफ्ट हो जाते हो, तो आप लोग उस स्टेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। सो हाउएवर, इंश्योर यू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्टेट बार काउंसिल। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है अपनी मनमानी करनी है, आप लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल की वो आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोगों का जो एनरोलमेंट है वो स्टेट बार काउंसिल के अंदर नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। इनकेस अगर आपसे जो है पर्टिकुलर रीज़न पूछा जाता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों, वो आप लोगों को एक स्पेसिफिक रीज़न वहाँ पर देना पड़ेगा। एंड अपने जो भी एक तरीके से प्रूफ वगैरह होंगे, आपके एलएलबी आपने कहाँ से की है, बीसीए रिकॉग्नाइज थी आप लोगों की यूनिवर्सिटी का नहीं थी, प्रॉपर आप लोगों का सर्टिफिकेट एलएलबी डिग्री का जो सर्टिफिकेट वगैरह मार्कशीट वगैरह जिसे आप बोलते हो वो आप लोगों के पास होने चाहिए, हर चीज़ ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह हर चीज़ आप लोगों को जेन्युइन वहाँ पर देनी होती है, अदरवाइज़ जो है आप लोगों को रिजल्ट के टाइम पर प्रॉब्लम होती है जब कोई भी अपडेट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और आप तक वो अपडेट नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है इनकेस अगर आप लोग गलत अपनी ईमेल या फिर फ़ोन नंबर दे देते हो तो, ठीक है। सो ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा कि आप लोग रजिस्टर कर सकते हो अदर देन वेयर आई कंप्लीटेड माय एलएलबी, ठीक है। सो स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, वहाँ पर भी आप लोग अपने इश्यूज और क्वेरीज को शेयर कर सकते हो। सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी